हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल के नए हाउस डिज़ाइन के वीडियो में। तो आज देख सकते हैं कि हमने ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो गांव के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। रेंटर के हिसाब से भी हमने डिज़ाइन किया हुआ है, तो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन रहने वाला है। तो गाइस, वीडियो के साथ बने रहे, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं प्लॉट की डिटेल दी हुई है। तो प्लॉट की साइज रहने वाली है 17 फीट बाई 37 फीट। स्क्वायर फीट में बात करें तो 629 स्क्वायर फीट का रहने वाला है। उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन रहने वाली है, मतलब रिक्वायरमेंट रहने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के लिए हमने डिज़ाइन किया था। ग्राउंड फ्लोर पे कुछ रिक्वायरमेंट है, तो जैसे कि लिविंग हॉल, किचन, स्टोर रूम, सेपरेट टॉयलेट, बाथरूम और सीढ़ियाँ रेंटर के हिसाब से बाहर से डिज़ाइन करवानी थी। और फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो 2 बेडरूम उनको मास्टर बेडरूम चाहिए थे, तो उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आपको भी हमसे कस्टमाइज प्लान बनवाना है तो यहाँ पर हमारा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से आप संपर्क करके व्हाट्सअप करके आपके लिए नक्शा बनवा सकते हैं। और आपको इसी साइज में और भी डिज़ाइन देखनी है तो हमारे चैनल पर विजिट करिए, आपको वहाँ पे काफ़ी सारे हाउस प्लान की डिज़ाइन देखने को मिलेगी। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ और वेस्ट फेसिंग अपना कॉर्नर प्लॉट रहने वाला है। ईस्ट और साउथ की तरफ ओनर प्रॉपर्टी है, मतलब जो भी वेंटिलेशन देना चाहते हैं वेस्ट और नॉर्थ की तरफ दे सकते हैं। चलिए अभी नक्शा समझ लेते हैं नक्शा कैसा रहने वाला है। सो गाइस, थोड़ा जूम कर दिया ताकि आपको पूरी डायमेंशन अच्छे तरीके से समझ में आ सके। देन गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपन को 9 फीट की एंट्री दी हुई है, यहाँ पे गेट मिल जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे अपन को बाइक पार्किंग के लिए जगह मिल जाती है, सफिशियंट एरिया है, यहाँ पे आपकी 2 बाइक आराम से पार्क हो जाएगी। देन उसके बाद जो उसकी साइज रहने वाली है 9 फीट 3 इंच उसकी लंबाई रहने वाली है, 15 फीट 6 इंच उसकी चौड़ाई रहने वाली है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी 15 फीट 6 इंच चौड़ाई रहेगी। और जो सीढ़ियाँ हमने डिज़ाइन की हुई है वो बाहर से डिज़ाइन की हुई है, रेंटर के हिसाब से रहने वाली है, मतलब यहाँ पे अपन को कुछ स्टेप मिल जाते हैं, यहाँ से हम इस बरामदे पे पहुँच जाएंगे। देन यहाँ पे अपन को सीढ़ियाँ मिलती है, सीढ़ियों से इस तरह ऊपर की मंजिल पे जा सकते हैं, मतलब ऊपर अपन को काफ़ी बड़ी बालकनी देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे अपनी मेन एंट्री नॉर्थ फेसिंग रहेगी, यहाँ अंदर अपन को ड्राइंग हॉल मिल जाता है, 15 फीट 6 इंच बाई 10 फीट का रहेगा। सीटिंग हमने यहाँ पर डिज़ाइन की हुई है, यहाँ पर एलईडी यूनिट का ऑप्शन आपको देख सकते हैं। देन गाइस, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यूसी और बाथरूम हमने डिज़ाइन किया हुआ है। बाथरूम की साइज रहेगी 7 फीट बाई 4 फीट रहेगी और डब्ल्यूसी की साइज रहेगी 3 फीट 7 इंच बाई 4 फीट की रहेगी। तो वेंटिलेशन आप देख सकते हैं, वेस्ट की तरफ अपन वेंटिलेशन दे सकते हैं, यहाँ पे छोटा सी ओपनिंग मिल जाती है 3 फीट वाइड की। बाथरूम और डब्ल्यूसी का डोर हमने सामने सामने दिया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे हमने किचन डिज़ाइन किया हुआ है, तो किचन रहने वाला है 11 फीट 6 इंच बाई 11 फीट 5 इंच का। किचन का प्लेटफॉर्म यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, उसी के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपन को छोटा सा स्टोर रूम मिल जाता है 3 फीट 7 इंच बाई 5 फीट का। और यहाँ पे देख सकते हैं एक डोर रहने वाला है, जो कि अपना वेस्ट की तरफ रोड है उसी तरह इसे यूज़ कर सके, ये डोर से बाहर जा सकते हैं। देन यहाँ पे छोटा सा बरामदा मिल जाता है, यहाँ पे कुछ स्टेप दी हुई है, 4 फीट वाइड का अपना बरामदा रहेगा। देन गाइस, आगे देखेंगे तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का प्लान इस तरह हमने डिज़ाइन किया हुआ है। अभी फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं कैसा रहने वाला है। तो गाइस, फर्स्ट फ्लोर पर देख सकते हैं जैसे ही सीढ़ियों से हम ऊपर की मंजिल पर आते हैं, मतलब यहाँ पर अपन को बड़ी सी बालकनी मिल जाती है। रेंटर के हिसाब से काफ़ी खूबसूरत नक्शा रहने वाला है, आप इसे एज इट इज़ सेकंड या थर्ड फ्लोर पे भी यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे अपन को मेन एंट्री मिल जाती है, अंदर जाने के लिए 4 फीट वाइड का यहाँ पे पैसेज मिल जाता है। यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम मिल जाता है, जिसकी साइज रहने वाली है 11 फीट बाई 10 फीट की। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बेड रहने वाला है, यहाँ पे अलमीरा का प्रोविजन दिया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे सेपरेट अलमीरा का प्रोविजन आपको मिल जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे हमने एक टॉयलेट डिज़ाइन किया हुआ है, 7 फीट बाई 4 फीट का रहेगा, उसका डोर यहाँ पे देख सकते हैं। तो वेस्ट की तरफ हमने सारा वेंटिलेशन दिया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा डोर मिल जाता है 3 फीट वाइड का, यहाँ पे अपना बेडरूम रहने वाला है 11 फीट 6 इंच बाई 11 फीट 5 इंच का। उसके बाद यहाँ पे बालकनी मिल जाती है छोटी सी, जैसे कि अपने ग्राउंड फ्लोर पे ओटा था उसी के ऊपर हमने बालकनी डिज़ाइन की हुई है। और यहाँ पे अपन को एक अटैच टॉयलेट मिल जाता है, जैसे कि हमने मास्टर बेडरूम की रिक्वायरमेंट थी उसी हिसाब से हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो टॉयलेट रहने वाला है 3 फीट 7 इंच बाई 6 फीट का रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह हमने डिज़ाइन किया था 17 फीट बाई 37 फीट में 2 BHK का हाउस प्लान डबल मंजिल के लिए। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा डिज़ाइन कमेंट करके जरूर बताएं, इसमें दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।